माय प्रोटेक्टर साई बाबा, मुझे लगा पता नहीं ग्रहण में क्या होगा, कितनी तकलीफ होगी वगैरह वगैरह। मैंने देखा कि मेरी आंखों में तकलीफ हो रही है, थर्ड आई को ऐसे कंट्रोल किया जा रहा है, इंट्यूशन को रोका जा रहा है। मैंने बार बार एंजल से प्रोटेक्शन मांगा, थोड़ी देर के लिए मिला, फिर से मांगा, फिर से थोड़ी देर के लिए मिला, और मैं जो हूँ थक गई। और मैंने साईं बाबा से प्रोटेक्शन मांगा और इतना ठंडा कूल मस्त प्रोटेक्शन मिला। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे एक बार ड्रीम में भी दिखाई दिया था कि औदुम्बर वृक्ष, जो गुलेर का वृक्ष कहते हैं शायद हिंदी में, यानी जो कि मेरे घर के साइड में था, और मैंने देखा अचानक जो वृक्ष है वो ड्रीम में मुझे साईं बाबा की मूर्ति की जगह दिख रहा है, जिसको दत्त भगवान का रूप कहा जाता है। जब 2020 में मेरा सेपरेशन हुआ और मैं शिरडी से सेपरेट हो गई, तब मैंने देखा कि वहाँ, मतलब जहाँ वो पेड़ था, वो पेड़ मुझे शिरडी में दिखने लगा था। अब जहाँ वो पेड़ है, वहाँ मुझे जो है साईं मंदिर, पूरी शिरडी, पूरी की पूरी शिरडी मेरे यहाँ पे मेरी कॉलोनी में आ गई है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ इतने साइड में मंदिर है, मैं तो कभी भी जा सकती हूँ। तो बाबा अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन से तो हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। सीरियसली, अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो तो साईं बाबा आपसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। एक रियल डिवाइन फेमिनाइन अगर आप हो तो कोई भी मर्यादा नहीं है ईश्वर की आपसे। ईश्वर कितना प्यार करता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पता चले, इसलिए हमको जो है उस दर्द में वो हमें डालता है, ताकि हमको जो है पता चले कि क्या हो रहा है। तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और एंजल्स से मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा था, और एक अंतिम जो था सरेंडर, क्योंकि कितनी बार प्रोटेक्शन मांगे। तो एक अब सुबह उठते ही मैं साईं बाबा से प्रोटेक्शन मांगती हूँ अपने हर एक चीज़ के लिए, घर के लिए, खुद के लिए, खुद की आँखों के लिए, शरीर के लिए, ऑरा के लिए। एक प्रार्थना करती हूँ 2 मिनट की बस, और बाबा जो है सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एकदम मुझे जो है शांति फील हो रही है। मुझे याद है ऐसे ही मुझे 2 महीने कान का दर्द हुआ था। तीन तीन डॉक्टर्स मैं गई थी, तीन तीन डॉक्टर्स के पास, मेरे कान का दर्द जो था स्टॉप हो ही नहीं रहा था। एक बार फिर साईं बाबा को मैंने ऐसे पुकारा और उनसे मन्नत मांगी बहुत छोटी सी मन्नत मांगी, बट मैंने देखा कि जैसे मैंने मन्नत मांगी, 1 सेकंड में मेरा जो 2 महीने का कान का दर्द था वो 1 सेकंड में गायब हो गया। मतलब पकाते हैं, या पता नहीं क्या कहना चाहिए, कि तकलीफ भी होती है ऐसे नहीं, बट वो दिखाते हैं अपना चमत्कार, अपना चमत्कार दिखाते हैं। हम मतलब इतने झुलसने लगते हैं उसमें, जलने लगते हैं। जैसे एक अंतिम समय आता है ना, जैसे गिर रहे हो आप पर्वत से, गिर रहे हो, गिर रहे हो, गिर रहे हो, बहुत लुढ़क रहे हो, लुढ़क रहे हो, अंतिम समय बस गिरने ही वाले हो, आपको लगता है आप कुछ नहीं, तब आप अपने ईश्वर को पुकारते हो और तुरंत वो आपके हाथ पकड़ लेते हैं। तो ऐसे बाबा मेरे साथ हमेशा करते हैं। मुझे ऐसे लगता है गिरी 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 पट से हाथ पकड़ लेते हैं, जहाँ पे मतलब कोई होप नहीं है, आशा नहीं है, ऐसा लगता है बस खत्म, वहीं से एक नई शुरुआत साईं बाबा कर देते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है शेयर करने में। मैं जहाँ पे मतलब कोर्ट केसेस के लिए जाती थी अपने, जहाँ मेरा ससुराल था, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक गुलेर का पेड़ था, और आई थिंक मई मंथ था वो। अभी मई मंथ में जो है हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं जलने लगते हैं, मराठी में जैसे झड़ लगना वगैरह, ऐसा मंथ हो अपन। ऐसे कुछ मेरे साथ भी हो रहा था, और गर्मी से बहुत मैं परेशान हो गई थी, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि गर्मी में ये सब चीज़ें होती है। तो ऐसा कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने गुरुचरित्र पढ़ा था, और उस गुरुचरित्र में कहा था कि इस वृक्ष के जो है, गुलेर का पेड़, औदुम्बर वृक्ष जिसको कहा जाता है, और मराठी में जो है उम्बर, उम्बराचं झाड़ असं म्हणतात, तो
तो मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन पे वो है और बूढ़ा सा है, ऐसे थोड़ा सूखा हुआ, मतलब पुराना पेड़ लगता है और बहुत पुराना लगता है। तो मैं गई, मुझे क्योंकि मैंने गुरुचरित्र पढ़ा था इसलिए मैंने जो है उसको दो परिक्रमा लगाई। ऐसा एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट मैग्नेट कैसे खींच लेता है, तो मेरी जो जलन हो रही थी बॉडी की वो उसने पूरी तरह से सोख ली। मतलब ऐसा होता है स्टार सीड के साथ, वो कुछ ज़्यादा भगवान भगवान नहीं करते उतना जितना आम लोग जो है मूर्ति पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नामस्मरण करेंगे, जप करेंगे। बट स्टार सीड्स को जो है भगवान ऐसे छोटे मोटे चमत्कार दिखाते रहते हैं और आकर्षित करते हैं। आम लोग अपनी इच्छाएं पूरी हो इसलिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, बट स्टार सीड के मामले में उनको चमत्कार दिखाते हैं ईश्वर, और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं तो पूरा जो इंसान है वो ईश्वर से ही कनेक्ट हो जाता है। और मैंने मुझे इतना आश्चर्य लगा कि कैसे ये हुआ, बॉडी की जलन कैसे शांत हो सकती है। मतलब ऐसे चमत्कार दिखाते हैं और आपको आकर्षित करते हैं। औदुम्बर वृक्ष जो है दत्त गुरु का, दत्त भगवान का प्रतीक है और साईं बाबा दत्ता अवतार है। एक बार होता है कि गुरुस्थान जहाँ पे नीम वृक्ष है ना शिरडी में, थोड़ा ओपन प्लेस है, समाधि के पास ही है, वहाँ पे एक शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। तो साईं बाबा का कहना था कि गुरुवार और शुक्रवार को अगर शाम को वहाँ पे कोई धूप जलाए तो मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। तो वहाँ पे गुरुवार और शुक्रवार को जो है शाम को धूप जलाते हैं लोग, तो मैं भी जला रही थी। आपने देखा मेरे राइट हैंड के ऊपर एक दाग है, क्योंकि मैं धूप जला रही थी और वो धूप जो होता है ना, लोग बहुत सारा धूप डालते हैं, बहुत लोग डालते हैं वहाँ पे, तो मैं डालते डालते मेरे हाथ पे जो पिघल कर कुछ लोगों ने धूप डाला था, वो बहुत ही गाढ़ा होता है, जैसे डांबर, रोड का डांबर होता है ना काला काला, ऐसे वो बहुत ही गाढ़ा होता है, और वो जल के टप से एक बूंद जो है मेरे हैंड में, हाथ के ऊपर गिर गई, तो पूरा उसका जो है हाथ का छिलका ही निकल गया। लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ, मैं मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अब मुझे मेरे हाथ की तो पूरी चमड़ी जल चुकी है, तो पता नहीं कितनी जलन होगी, ऐसा मैंने सोचा। बट मुझे इतना आश्चर्य लगा और मुझे वो याद आया कि जब मुझे मई महीने में जलन जलन हो रही थी बॉडी में, तो मैं उस नीम वृक्ष के, नीम नहीं, मैं औदुम्बर वृक्ष के पास गई और तुरंत मेरी जलन एक सेकंड में ऑटोमेटिक, मैंने तो भगवान से कहा भी नहीं कि मेरी जलन को शांत करो, ऐसा कुछ कहा भी नहीं, तो ऑटोमेटिक शांत हो गया। अब तो मेरा मतलब मेरे हाथ पे ये गरम गरम गिर गया है, अब तो कितनी जलन होगी पता नहीं। तो मैं दत्त मंदिर वहीं पे है, मैं भाग के वहाँ गई और मैंने उस पेड़ को छूने की कोशिश की, छुआ या नहीं पता नहीं, शायद छुआ होगा, मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं छू सकती हूँ, कवर भी अगर उसके ऊपर हो तो। और मुझे आश्चर्य लगा कि इतना जो पूरा छिलका निकल चुका था हाथ का, और बिल्कुल भी मुझे जलन नहीं हुई, जैसे मैं पेनलेस हूँ ऐसा लगा मुझे। औदुम्बर वृक्ष की एक कहानी भी है, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ा था तो कालकूट या पता नहीं क्या कौन सा जहर उसके पेट में था, जिससे नरसिंह भगवान की जो है नाखून जलने लगे, तब माँ लक्ष्मी जी ने उनको जो है औदुम्बर वृक्ष के जो फल होते हैं अंजीर जैसे दिखते हैं वो फल लाए उन्होंने और नाखून में चुभो के रखा, तो भगवान की जो है जलन शांत हो गई, और इसीलिए नरसिंह भगवान ने औदुम्बर वृक्ष को वरदान दिया कि तुम्हारे अंदर मैं और माँ लक्ष्मी सदा तुम्हारे अंदर वास करेंगे। तो इसकी परिक्रमा करने से भी आपके जो है आर्थिक प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ लोगों को मतलब मैंने गुरुचरित्र में देखा है भूत बाधा या कुछ ऐसा होता है, तो उनको भी औदुम्बर वृक्ष की जो है परिक्रमा करनी चाहिए।
फल की अपेक्षा किए बिना करना चाहिए। तो इसके नीचे आप बैठोगे तो एक अलग ही शांति का अनुभव आपको होगा। अगर इसके नीचे मेडिटेशन करोगे, कुछ भी करोगे, नामस्मरण करोगे, कुछ रीडिंग्स करोगे, कुछ पढ़ोगे, तो एक अलग ही शांति महसूस होती है। जैसे कि रेकी में भी हम कहते हैं कि पेड़ों से आप बात कर सकते हैं, पत्थरों से बात कर सकते हैं। क्रिस्टल रेकी में तो पत्थरों से बात की जाती है, पत्थरों की लैंग्वेज समझी जाती है, पत्थर आपको बहुत कुछ बताते हैं, पत्थरों से कनेक्ट हो सकते हो आप, वैसे पेड़ों से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो इसकी छांव में बस थोड़ा बैठना है, कनेक्ट होके देखना है, देखो ये क्या कहते हैं, ये आपके जो है जन्मों जन्मों का रहस्य जानते हैं, आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते, ये बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में। मैंने स्टोरी शेयर की थी कि कैसे पीपल के वृक्ष ने पहली बार मुझसे बात की और मुझे यकीन नहीं हुआ कि पेड़ जो है बात कर सकता है। रेकी में बस मैंने सुन के रखा था कि पेड़ जो है बातें करते हैं, बट कभी भी किसी पेड़ ने जो है डायरेक्ट मुझसे बात नहीं की थी। और मुझे लगता है कि जिस पेड़ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो, शायद वो पेड़ कभी आपके साथ बोल पड़े। अगर आपकी लेवल उतनी है, स्पिरिचुअल लेवल उतनी है, साधनाएं उतनी है, तो जो है पेड़ बात कर सकते हैं। और मैं पीपल के वृक्ष को परिक्रमा कर रही थी, मेरे फादर भी जो है रोज उस पीपल के वृक्ष को परिक्रमा करते थे और हमारे एंसेस्टर के लिए, पितरों के लिए जो है दुआ मांगते थे कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले। तो कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष को जल, दूध, गुड़ आप चढ़ाते हो, काले तिल ये सब चढ़ाते हो तो मनी ब्लॉकेज भी आपका चला जाता है, लेकिन संडे को नहीं, रविवार और मंगलवार छोड़ के आपको जो है पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है, उसको जल चढ़ाना है और उसको छूना नहीं है। आप सिर्फ जो है शनिवार को छू सकते हो, क्योंकि शनिवार को जो है भगवान विष्णु साक्षात उसमें होते हैं, तो उसको आप सिर्फ शनिवार को छू सकते हो, बाकी किसी दिन भी उसको जो है छूना नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पितरों का भी वास होता है, आत्माओं का भी वास होता है, तो सिर्फ शनिवार को उसको आप छू सकते हो। और ऐसे ही मैं परिक्रमा कर रही थी तो उस पेड़ ने मुझसे कहा कि तुम जाओ यहाँ से। तो मुझे लगा ये कौन था, ये किसने बोला। तो मैंने निगलेक्ट किया, मुझे समझ में आया कि पेड़ ने ही बात की, बट मैंने उस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा आज तक बात नहीं की, शायद ये मेरा वहम है, ऐसा मैंने सोच लिया और निगलेक्ट कर दिया उस चीज़ को। तो पेड़ को बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने पेड़ ने फिर मुझसे कहा निकल जाओ यहाँ से। तो मुझे फिर मैंने फिर भी नहीं माना, फिर भी मैं परिक्रमा कर रही थी, तो मुझे ऐसी गुस्से वाली वाइब्रेशन दी उन्होंने, पेड़ ने, तो मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ है, कहीं इस पेड़ पे कोई भूत भीत तो नहीं है। तो मैं डर गई और मैंने सोचा जो भी हो यार, हार्ट में थोड़ा सा डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, चलो चलते हैं, अब नहीं घर चलते हैं। तो मैंने सोच लिया और मैं घर जाने लगी। इतने में देखा कि मेरे फादर वहाँ पे दूध जल वगैरह वो चढ़ाने रोज़ आते थे, क्योंकि वो बहुत सालों से जाते थे, रेगुलर जाते थे। तो पेड़ के साथ उनकी जो है बड़ी दोस्ती हो गई, क्योंकि मेरे फादर भी एक स्टारसीड है और पेड़ को भी शायद उनसे ज़्यादा दोस्ती है, तो इसीलिए उसने जो है मुझे जाने को कहा, क्योंकि एक ही इंसान वहाँ पे जो है परिक्रमा कर सकता था, दो इंसान वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। मुझे बहुत आश्चर्य लगा उस दिन कि कैसे पेड़ बात कर सकते हैं। बाकी पेड़ अपनी भावनाएं बताते हैं ज़रूर है, जैसे कि मैं नीचे एक फूलों की बेला है, सफ़ेद फूल आते हैं उसको, तो मैं उस पेड़ से भी बात करती हूँ, वो अपनी फीलिंग शेयर करता है, जैसे हग कर रहा हो, जैसे मुझे मेरे हाथ में ले रहा हो, ऐसे कुछ वाइब्रेशंस आती है। क्योंकि अब मैं ऊपर रहने आई हूँ तो नीचे मैं जाती नहीं, और मैं उस
उस पेड़ को मैंने अपने हाथों से लगाया है, और शायद 10 साल हो गए होंगे उस चीज़ को। तो मैंने बहुत प्यार से उसको पानी डाला है, और जो भी अगर उसको किसी ने काटा है तो मैं बहुत रोई हूँ। मैंने तो उस पेड़ को भी कहा कि तुम जो है काल भैरव चालीसा मंत्र का जप करते रहना, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं है, तुमको काट डालेंगे, तो तुम भी जो है इस मंत्र का जप करते रहना, ऐसा मैंने उस पेड़ को कहा। और बहुत प्यार करती थी मैं उस पेड़ से, मतलब बेला से, क्रिपर क्या बोलते हैं उसको मराठी में, वेल हम बोलते हैं। तो कल मैं गई तो मुझे अजीब से, जैसे कितने दिनों बाद तुम आई हो, मतलब ये देखो पशु पक्षी जो होते हैं कितना निस्वार्थ प्रेम हमारे साथ करते हैं, ये अगर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो बुरी से बुरी बला से आप बच जाते हो। सीरियसली, तो इनकी सेवा कीजिए, इनको पानी डालिए, पंछियों को दाना दीजिए, पानी रखिए उनके लिए, ये जो है इनकी ब्लेसिंग्स काम आती है। इंसान बड़े ही निर्दयी होते हैं, इनको कुछ मतलब दो अच्छा तो भी रिटर्न्स देने की ये सोचते नहीं है, छुरा घोपने का ये ज़्यादा सोचते हैं। थ्रेडी की मेंटालिटी बहुत ही बुरी है चीज़ है। तो पेड़ हमारे दोस्त हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो औदुम्बर वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ये बहुत ही मतलब पवित्र वृक्ष है। बरगद का पेड़, वट वृक्ष जैसे कहते हैं शायद। मुझे एक कहानी याद आई कि मुझे अचानक से याद आया कि आज तो वट सावित्री पूर्णिमा है, जो एक पत्नी जो है अपने पति के लिए करती है। और मेरी एक गंदी आदत है कि मैं, वैसे मैंने सुना था, अभी प्लैनेटरी कंडीशन मुझे याद नहीं आ रही, कि वृश्चिक राशि में अगर शुक्र हो सेकंड हाउस में, तो ऐसे इंसान के घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, बट रुकती नहीं है लक्ष्मी। मतलब कैसे कि ये जो है अपने अकॉर्डिंग मतलब खर्च करते हैं, बजट नहीं देखते हैं, दुकान में जाएंगे सब खरीद लेंगे, और घर में आने के बाद इनको समझ में ही नहीं आएगा कि इन्होंने पैसे खर्चे कहाँ पे हैं। तो मेरे साथ ये हमेशा होता है, और ऐसा ही हुआ कि वट सावित्री पूर्णिमा थी, और मैंने उसका मुहूर्त खत्म होने वाला था। यार मैंने कहा मुहूर्त तो खत्म हो जाएगा, और मैं पैसे तो खत्म हो गए, मेरे फादर तो सो रहे होंगे, अब इतनी जल्दी उनको कैसे बोलूँ मैं कि मुझे पैसे फट से भेज दो, एक सेकंड में भेज दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था उस समय, थोड़ा अलग सिस्टम था, शिरडी में ही थे मैं, और मेरे फादर को भी वो सिस्टम पता नहीं था पैसे कैसे सेंड करते, तो वो भाई को बोलते थे, उसमें 2 दिन लग जाते थे, तो ऐसा होता था। और मुझे तो पूजा अभी करनी थी, पैसे पूरे ख़त्म। तो मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, फल देते हैं उस पेड़ को, फल खरीदे, सब खरीदे, पूजा करने गई, जस्ट मैंने वो फल रखे और मैं पूजा कर ही रही हूँ, तो किसी ने वो फल चुरा लिए। 5 मैंगो थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मैंगो खरीदे थे मैंने, क्योंकि वहाँ पे छोटे मैंगो अवेलेबल ही नहीं थे। सुंदर मैंगो खरीदे और किसी ने वो चुरा लिए, मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। मैंने पूजा के लिए वो खरीदे हैं, मैं पूजा कर रही हूँ, मैंने अपने पैरों के पास वो रखे हैं मैंगो आम, और कैसे कोई चुरा सकता है? क्योंकि भगवान जानते थे कि इसको फल नहीं देना है, मतलब इसकी जो शादी है वो सक्सेसफुल नहीं होनी है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम है, डिवाइन फेमिनाइन है, तो इसको अगर इसने फल चढ़ा दिए वृक्ष को, वट वृक्ष को, वो भी शिरडी में खंडोवा मंदिर में वो पेड़ था, तो इतनी पवित्र स्थल में अगर हम फल चढ़ा देते हैं तो हमको जो है उसकी फल प्राप्ति तो होनी है, मेरा हस्बैंड तो फिर वापस आना ही था। जस्ट सेकंड मैंने ऐसे ही आम रखे, जैसे किसी का पैकेट चुरा के ले जाए, पर्स चुरा के ले जाए, वैसे किसी ने वो मैंगो चुरा लिए, और मैं, मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम, और आज अवेकनिंग के बाद मुझे समझ में आता है कि क्यों वो मैंगो चुराए गए, क्यों आम चुराए गए, ताकि क्योंकि मैं वो चढ़ाती पेड़ को, तो पेड़ भी मुझे वो है फल प्राप्ति देता, बदले में मेरा हस्बैंड मुझे वापस दे देता, जो कि ईश्वर नहीं चाहते थे कि मैं किसी कार्मिक कनेक्शन में रहूं, तो इसलिए तुरंत उन्होंने मुझे है जो उस कनेक्शन से आज़ाद कर दिया।
रखा ही नहीं उस कनेक्शन में, जस्ट एक जीवन में लिखा था कि बस एक मैरिज होनी थी तो हो गई, बट नसीब में नहीं थी वो मैरिज। ओम साई राम, ओम साई राम।